Good morning friends, this is Tanvi from Everest Classes. आज 26 जुलाई 2018 केंद्रीय टोल के साथ हाजिर हूँ. इस पूरे लेक्चर को यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पर प्रिपेयर किए जाते हैं, तो आपको ताकि आपको इजी वे में एक जो भी पैटर्न्स हैं या फिर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनका प्रैक्टिस करवा सकें. इस पूरे लेक्चर को ईजी बनाने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंक्लूड किए जाते हैं, ताकि आप जो हैं आपको समझने में और फिर आपको इसे एक्सेस करने में इजी हो. इस पूरे लेक्चर को द हिंदू न्यूज़पेपर से रेडी किए जाते हैं. इसमें हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है आपका वोकैबलरी जो द हिंदू एडिटोरियल से लिए जाते हैं, एंड वी गिव यू द 10 वोकैब्स विद एंटोनम्स, सिनोनिम्स एंड विद एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश कम्प्रिहेंशन विद 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस. इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल. 5 idioms and phrases with their Hindi and explanation. And the next one is essay writing. We'll give you the topic, essay topic, to enhance your writing skill. Coming to the first section, that is our the Hindu ritual vocab section, and the first word is lynching. Means vina vaidh nirnay ke maar dalna. Ek verb hai, and the meaning is to put to death, especially by hanging, by mob action, and without legal authority. इसे सबसे अच्छा समझने का एक तरीका है कि कभी कभी आप देखते हैं कि कोई अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए या फिर कोई अलग करते हुए पकड़ा जाए, तो उसे हम लोग जो है लीगल प्रोसीड्योर से नहीं, बल्कि जो वहाँ की भीड़ होती है इकट्ठे होकर के, वो खुद उसे जो है उस पर फैसला दे करके उसे पीटना स्टार्ट कर देती है. यानी कि लिंचिंग का मतलब होता है बिना निर्णय लिए हुए, बिना किसी लीगल वे, लीगल जो प्रोसीड्योर होता है उसके गए हुए जो हैं, जो भीड़ जो होती है वो जो हैं वो निर्णय लेती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं लिंचिंग. एंड द सिनोम्स आर डिस्पैचिंग, किलिंग, मर्डरिंग. एंड द एंटोनिम्स आर बियरिंग, क्रिएटिंग. एंड द एग्जाम्पल इज लिविंग थिंग्स टू द स्पिरिट कैन टर्न अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इनटू अ लिंचिंग. सेकेंड वन इज बैफलिंग, बैफलिंगली मीन्स विफल हुआ. एक एडवर्ब है, एंड द मीनिंग इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. किसी चीज़ को समझना अगर मुश्किल हो जाता है उसे बैफलिंगली बोलते हैं, या समझाना मुश्किल हो जाता है. सिनोम्सा डिसअपॉइंटेंटली, कन्फ्यूजली, पजिंगली. एंड द एंटोनिम्सा इनकरेजिंगली, इनलाइटेंडली, सपोर्टिंगली. एंड द एग्जाम्पल इज द क्राइम इज अ बैफलिंग मिस्ट्री फॉर द पुलिस. कमिंग टू द थर्ड वन, डैट इज इनक्रिप्टेड. कूट करना एक वर्ब है, एंड द मीनिंग इज कन्वर्ट इंफॉर्मेशन और डेटा इन टू अ कोड स्पेशली टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस. मीन्स आप देखेंगे कि कंप्यूटर वगैरह में ये इनक्रिप्टेड भाषा का यूज़ होता है. ये कंप्यूटर वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी चीज़ जो होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है, वो कोड के रूप में जाता है जिसे डिकोड करना होता है. तो जो कोड होता है, जो ये लैंग्वेज होता है, उसे हम लोग इनक्रिप्टेड बोलते हैं. एंड द सिनोम्स आर इनकोडेड, कोडिफाइड, कंपाइल. एंड द एंटोनिम्स आर डिकोडेड, अनइनक्रिप्टेड. एंड द एग्जाम्पल इज द पासवर्ड कैन नॉट बी ब्रोकन एज इट इज़ इनक्रिप्टेड इन द हार्डवेयर. फोर्थ वन इज क्लबर्ड, मीन्स बुरी तरह मारना. ये एक वर्ब, एंड द मीनिंग इज टू हिट समवन और समथिंग हार्ड एंड रिपीटेडली. किसी को लगातार मारना या फिर बहुत बुरी तरह से उसको हर्ट करना, इसे हम लोग क्लोबर्ड बोलते हैं. द सिनोम्स आर स्लग्ड, बैटेड, स्क्रूवी. एंड द एंटोनिम्स आर लॉस्ट. एंड द एग्जाम्पल इज इफ यू डू डैट अगेन आई विल क्लॉबर यू. फिफ्थ वन इज प्रिसिसली, मीन्स निश्चित रूप से. एक एडवर्ब है, एंड द मीनिंग इज इन एन एग्जैक्ट टर्म. एंड द सिनोम्स आर accurately, definitely, accurately. And the antonyms are in exactly, approximately, roughly. And the example is the fireworks begin at 8 o'clock precisely. And the sixth one is proliferation, means prachar prashar. किसी चीज़ को आप देखेंगे कुछ सेकंड्स में या कुछ चीज़ों में जो है व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कम्युनिकेबल हो जाता है, उसे हम लोग प्रोलिफरेशन बोलते हैं. एंड द नाउन एंड द मीनिंग इज रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग. सिनोम्स आर एक्सपेंशन, प्रोपगेशन, एनलार्जमेंट. एंड एंटोनिम्स आर नॉन प्रोलिफरेशन, कटबैक, abatement. And the example is small business have proliferated in the last 10 years. Coming to the seventh one, that is lignitizing, means
वैध करना वर्ब है, एंड द मीनिंग इज टू मेक समथिंग लीगल और एक्सेप्टेबल, किसी को लीगल करना या फिर आप सब लोग उसे एक्सेप्ट करें ऐसा बनाना, उसको लिगमिटिमाइजिंग बोलते हैं. देन मिसनॉम्स आर विंडिकेटिंग लिगमिटाइज, एंड द एंटोनॉम्स आर डिसऑर्गेनाइजिंग डिनाइंग डिसअलाउइंग, एंड द एग्जाम्पल इज द गवर्नमेंट फियर दैट टॉकिंग टू टेररिस्ट माइट लिगमिटाइज देयर वायलेंट एक्शंस. एट्थ वन इज प्रीडेट्स, मीन्स से पहले, कोई भी घटना अगर पहले से घटित होती हो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब, एंड द मीनिंग इज एग्जिट और अकर एट अ लेट अर्लियर दैन, एंड द सिनोम्स आर प्रिसीड्स पाइनियर्स इंट्रोड्यूसेस, एंड द एंटोनोम्स आर फॉलो डेट्स डेट्स बैक एंड एंटी डेट्स, एंड द एग्जाम्पल इज दिस के पेंटिंग प्रिडेट एनी अदर विच आर नोन. कमिंग टू द नाइन्थ वन, दैट इज परसुएड, मीन्स राजी करना, एंड द वर्ब एंड द मीनिंग इज टू मेक समवन टू बिलीव डू और बिलीव इन समथिंग बाई गिविंग देम अ गुड रीजन टू डू इट और बाई टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड मेकिंग देम बिलीव इट. किसी को आप किसी को सहमत कर लेना कि आप ये करो आपके अच्छा है, या फिर ये ऐसा करने से उनको विश्वास दिला देना कि अच्छा होने वाला, उसे परसुएड बोलते हैं. सिनोम्स आर कन्विंस इंड्यूस अर्ग, एंड द एंटोनिम्स आर डिसवेड प्रिवेंट डिसकरेज, एंड द एग्जाम्पल इज इफ्स इट डजेंट वॉन्ट टू गो नथिंग यू कैन से विल परसुएड हर. लास्ट वन इज दैट इज टेंथ वन एम्प्लीफाइड, मीन्स बढ़ा जगा कर कहना. वर्ब एंड द मीनिंग इज टू एम्प्लीफाई इज ऑल्सो टू ऐड टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन समथिंग, किसी चीज में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप किसी को बोलते हैं उन्हें बोलते हैं. द सिनोम्स आर एक्सपैंडेड मैग्निफाइड augmented, and the antonyms are diminished, decreased, contracted, and the example is this study amplifies earlier research. Coming to the Hindu editorial analysis section, and this today's editorial is on social media. आप देख सकते हैं कि social एक platform provide किया गया था हम लोग को किया गया है, जो कि आप फेसबुक ट्विटर ये सब व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन जितने हम लोग डिजिटल इंडिया या फिर डिजिटल वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा इसके जितने बेनिफिट्स हैं उसके उतने बड़े नुकसान भी हैं. आम दिनों में आप देखिएगा कि कुछ ही समय में जो है व्हाट्सएप पे अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आप अगर शेयर करना चाहते हैं वो एक आग की तरह जो है वो चारों तरफ फैल जाती है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन को विद इन अ सेकेंड विद इन अ टिप ऑफ फिंगर जो है आप उसको एक जगह से दूसरे जगह जो है वो भेज सकते हैं या फिर रिसीव भी कर लिए जाते हैं. तो इसी तरह की कुछ घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं अभी हमारे देश में अलग अलग एरियाज़ में स्टेट्स में जो हैं कुछ बोल सकते हैं कि कोई ऐसे घटनाएं घट रही हैं जो कि नहीं होने चाहिए कास्ट के नाम पे, या फिर कुछ कास्ट के नाम पे हो रही हैं कुछ जो हैं वो आप बोल सकते हैं कि ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं जैसे टेररिस्ट वगैरह का एक्शन लिए जा रहा है उससे कि वो ऐसा चीज़ें गलत कर रहा है उस पर अगेंस्ट एक्शन लिए जा रहे हैं. तो ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन जो मैसेजिंग है वो इतने जल्दी लोगों तक फैल रही है कि उसका इम्पैक्ट भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है. उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो लिंचिंग मॉब लिंचिंग के रूप में आपके सामने आ रहा है. मॉब लिंचिंग ऐसी घटना जहाँ पे किसी को अगर बता दिया जाए कि ऐसा चीज़ इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबल है तो जो वहाँ के भीड़ होती है वो खुद अपने हाथों में सारी चीज़ें लेकर के वो एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी लोगों की जो है वो डेथ भी हो जा रही है. तो इसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसर्न दिखाया है और कंसर्न दिखाते हुए जो हैं जो भी आपके व्हाट्सअप हैं फेसबुक से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के जो मैसेजेस जो कि हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं कंट्री में उस पे थोड़े से कंट्रोल किए जाएं और ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई किए जाएं कि कहाँ से ये जो हैं वो फैल रही हैं, कहाँ से इसके सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं. आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही देखिए कि जो बच्चों की किडनैपिंग होती थी उनको एक पिक्चर डाल करके बताया गया कि वो जो है बच्चों को किडनैप कर रहे हैं. मॉब्स जो हैं वो वहाँ पे उसको जो है इतना हिट किया है कि वो पीपल जो है वो
मर भी गया है। तो ऐसे घटनाएं हो रही है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके एक देश के एक हिस्से में हो रही है। इससे जो है तमिलनाडु, अभी जो मई में ही घटना उसमें हुई है, असम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे जगह हो रहे हैं। अगर रिसेंट की बात करें, अटैक की बात करें जो है, तो महाराष्ट्र के धुले में, जो कि एक चाइल्ड लिफ्टिंग र्यूमर यानी कि बच्चों की किडनैपिंग के मामले में जो है ऐसी चीज़ें रेडी की गई हैं जिसमें जो है 5 लोगों को जो है वो मारा गया है। आप देखेंगे तो त्रिपुरा में भी एक सिंगल डे में 28 जून को जो है मैन जो हायर किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में, र्यूमर्स के बारे में फैलाया भी है। यहाँ तक कि जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने व्हाट्सअप से ये भी बताया है कि इसके रेमेडियल जो मेजर्स हैं उनको देखा जाए, यानी कि आप उनको उस पर जितने भी मेजर्स हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, वो लगाया जाए, ताकि ऐसे अगर मैसेजेस कुछ आ रहे हैं तो उनको थोड़े से कंट्रोल किए जाएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा इससे ना बढ़े। आप देखेंगे आसाम में भी ऐसी कुछ घटनाएं हो गई थी, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, वहाँ का इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। बेसिकली अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या सोशल मीडिया हमें एक प्लेटफॉर्म देता है लोगों से कनेक्ट होने के लिए, देश दुनिया से कनेक्ट होने के लिए? तो उसके इस तरह के जो पर्सनल चीज़ें हैं, यानी कि जो मैं और हम वाले जो डिफरेंसेज हैं वो उत्पन्न हो रही हैं और यहाँ पर हिंसा जो है इतने बड़े रूप में ले ले रही है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा यूएसपी इस चीज़ का, प्लेटफॉर्म का, यही है कि जो भी आप चीज़ें हैं वो तुरंत आप जो है एक जगह से दूसरे जगह मैसेजेस जो हैं वो रीड कर लिए जाते हैं। स्मार्टफोन इतने सस्ते हो गए हैं कि अब जो है हर हाथ में मिल रहे हैं, और उसमें व्हाट्सअप भी जो है चलाना बहुत ही ईजी है, तो एक्सेस करना बहुत ही ईजी है। और व्हाट्सअप ऐसे आपको भी आते होंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि आपके काम के नहीं होते लेकिन वो फॉरवर्डेड हो जाते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट भी है, ऐसे मैसेजेस को प्लीज़ आप देखिए, अगर कुछ ऐसे मैसेजेस लग रहे हैं आपको जो हिंसा भड़का रहे हैं कास्ट के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, तो वैसे चीज़ों को प्लीज़ आप ना फॉरवर्ड करें और अपने फॉरवर्ड ना करें और उस पर कोई भी एक्शन ना लें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिजिटल इंडिया में आ चुके हैं, और इवन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हैं र्यूमर्स के रूप में फैल रही हैं और हमारे यहाँ जो हैं वो चीज़ें देख रही हैं। तो ये आप ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम लोगों को भी देखना होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंसर्न भी यहाँ पर दिखाया है और राइटर भी ये कंसर्न दिखा रहे हैं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर आपके जो लोकल पंचायत वगैरह हैं, उन लोगों को भी इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने होंगे, उन लोगों को भी अपने लेवल पे काम करने होंगे, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन ये घटनाएँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। रैपिडली जो है वो पैनिक होना या फिर लोगों के बीच में एंगर, उनको उकसाना, ऐसे जैसे जो है मैसेजेस वो जो हैं वो आ रहे हैं। आप देखेंगे 2013 में भी एक कॉम्यूनल जो है वहाँ पे घटना हुई थी, वो भी वायरल हुआ था वहाँ का वॉयलेंस 2013 में। आप देखेंगे कि तो ये सब बस अपील किया जा रहा है कि इस तरह के मैसेजेस अगर आ रहे हैं तो उन पे भी अवेयरनेस फैलाया जाए कि इसको ना किया जाए, फैलाया जाए और इस तरह की घटनाएं ना हो। अगर ऐसी कोई मैसेजेस आते हैं या मॉब कहीं पे ऐसे करते हैं तो प्लीज़ उन्हें एक लीगल प्रोसीड्यूर से लेने जाने दीजिए। उस पर ऑथेंटिकेशन पे पहले आप डिपेंड कीजिए कि क्या ऑथेंटिक है ये मैसेजेस या फिर जो भी आपके पास बातें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसर्न दिखाई गई हैं, राइटर्स अलग व्यूज़ भी लेके चल रहे हैं कि इस पे सारे लोगों को मिलकर काम करना होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है कि द हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सेक्शन। एंड द फर्स्ट वन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड लिंचिंग। एंड द ऑप्शंस आर ए बियरिंग, बी रफली, सी क्रिएटिंग, डी मर्डरिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज डी मर्डरिंग। सेकेंड वन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रोलिफरेशन। एंड द ऑप्शन आर ए अबेटमेंट, बी एक्सपेंशन, सी प्रोपगेशन, डी इनलार्जमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ए अबेटमेंट। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रीडेट्स। एंड द ऑप्शन आर ए फॉलोज, बी पायोनियर्स, सी डेट्स बैक, डी antedates. And the correct answer is B, pioneers. Fourth one is, the sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question, and the question is, one of the USPs of the platform dash the messages are encrypted in a manner that makes it possible for them to be read. And the options are A, R dat, B, which dat,
सी इज डैट, डी माइट डैट, एंड द करेक्ट आंसर इज सी इज डैट. कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ऑल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डैश रिमेडियल मेजर्स टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ दीज फेक एंड एट and at times motivated sensational messages. And the options are A, has told WhatsApp to take, B, has tell WhatsApp to take, C, has told WhatsApp to take, D, has had told WhatsApp to took. And the correct answer is A, has told WhatsApp to take. Coming to the idioms and phrases section, and the first one is a hard nut to crack, means teri samasya, muskil. And the meaning is a difficult problem. And the example is this algebra equation sure is a hard nut to crack. Second one is a thorn in the flesh means jiga janjal. Meaning is a constant source of annoyance. And the example is he was thorn in the flesh when he was enjoying my birthday party. थर्ड वन इज़ एट वंस बेक एंड कॉल मीन्स इशारे पे नाचने वाला या किसी को आप कंट्रोल करते हैं. द मीनिंग इज अंडर वंस कंट्रोल एंड दिस एग्जाम्पल इज सी वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर बट हैज अ प्राइवेट नर्स एट हर बेक एंड कॉल. फोर्थ वन इन एन एसिड टेस्ट मीन्स अग्नि परीक्षा. ये एक द मीनिंग इज अ क्रिटिकल टेस्ट एंड एग्जाम्पल इज इट लुक्स गुड बट विल पीपल बाय इट That's the acid taste. Fifth one is all eye for an eye means jaise ko taisa, tit for tat. And the example is I don't believe in that kind of eye for an eye justice. Coming to the essay topic, and today's topic is social media is inherently a selfish medium. Kya ek selfish medium hai apne fayde ke liye jo hain wo ek medium ka kaam karti hai. Please aap is tarah ke jo hain topic ko aap jo hain apne answers ready kijiye. और हमें इनबॉक्स ज़रूर कीजिए और जिससे आपके जीडी इंटरव्यू या यूपीएससी बीपीएससी आपको मैं बता दूँ ये यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस ये टॉपिक जो हैं वो आए थे. तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस को रेडी करते हैं अगर टॉपिक को रेडी करते हैं अपने आंसर लिखते हैं प्लस आपके राइटिंग स्किल भी डेवलप करेंगे और तो और इस लेक्चर के दौरान जो एडिटोरियल आपके स्क्रीन पे आते हैं प्लीज़ उसे रीड आउट कीजिए ताकि आपके कम्युनिकेशन और प्रोनंसिएशन स्किल बेटर हो सके. हम लोग अनएम्प्लॉयड फ्री बिहार मुहिम से जुड़े हैं जिसमें आपका भी साथ हमें चाहिए बिहार को बेरोजगार मुक्त बनाने के लिए. तो इसके अंतर्गत हम लोग जो हैं 400 से ज़्यादा कंपनियों के साथ टाई अप हैं और हम लोग जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो भी जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब मिल पाए. तो इसके रिगार्डिंग आपके फ्रेंड्स फैमिली या फिर जो भी आपके कंसल्ट में हैं उनको अगर जॉब की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमारा नंबर और एड्रेस उन्हें ज़रूर प्रोवाइड करवाएँ. और हम लोग जो हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है इंटरव्यू के या फिर इंटरव्यू वो कैसे फेस कर पाएंगे डिलेमा में होते हैं उनके हम लोग जो हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन भी करवाते हैं. इसके रिगार्डिंग आप शाम 3 से 5 बजे के बीच में हमारे ऑफिस प्रीमिसेस में मिल सकते हैं हमसे. हमारा एड्रेस है एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना. एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना. एंड यू मे ऑल्सो कॉल अस ऑन 7279845076 7279845076 and 7004154803 7004154803. Thank you for watching this video. Please subscribe Everest Classes for latest update.